भाई जान दे कहने का मतलब ये है कि मतलब कि मेरा जरा ना एक कमरा बन जाए और एक वाशरूम अच्छा जहाँ बन जाए ताकि ये बच्चियाँ जो ना बाहर खेतों में ना जा सके, मतलब जो ना सारी जिंदगी के लिए मैं दुआएं दूंगा। हमारे चैनल को लाजमी जो है ना वो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि कुछ जो है ना व्यूवर कहते हैं कि आप जो है ना हमें याद दिला दिया करें सिर्फ के हमारे जो है ना हम वीडियो को लाइक कर दिया करें। और वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करनी है, और उन बच्चियों के बारे में आपने लाजमी कुछ ना कुछ सोचना है जो हमने इस वीडियो में बताया। अच्छा जी, अभी सुबह 5 बजे का टाइम है और मौसम देख लें कि कितना मतलब कि चेंज हो चुका है, बादल इतनी स्पीड से पाके जा रहे हैं, ये देखें, और ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी है, अभी बारिश आएगी। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कितनी बारिश और कितना तेज़ तूफान आया था, तो अभी फिर वही मौसम बन चुका है। अचानक इतना मौसम चेंज हो गया और हमने सोचा भी लाइट का कोई पता नहीं होता, जब मौसम चेंज हो जाए तो लाइट वाले भी लाइट बंद कर देते हैं, तभी ट्यूबवेल से घड़ा भर लेते हैं ताकि हमारी ये टेंशन ख़त्म हो जाए। ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा हमें। जैसे हम ट्यूबवेल पे आए हैं लाइट फौरन चली गई, पानी फिर हम नहीं भर सके, बल्कि चले इंतज़ार करते हैं जब लाइट आएगी, लेकिन ये देखें मेरे अल्लाह की शान, माशाल्लाह। हाँ जी, अब क्या कहती हैं, मस्जिद भर ले, चलें जी आराम से आने दे। अच्छा जी, मोटर जो ना वो चल गई थी, लाइट आ गई थी, तो फिर जल्दी जल्दी पानी भरा, आप लोगों को नहीं दिखाया। यहाँ पे दो घड़े वो भरे हमने, तो हम तो हमारा मतलब हमारी दिहाड़ी जो ना निकल जाएगा, दिन निकल जाएगा सुकून से। और सुबह मैंने मौसम दिखाया आप लोगों को, इस साइड से सारे बादल जो ना इकट्ठे हो गए, इस साइड पे चले गए, ये देखें सारे इस साइड पे चले गए। इधर आओ इधर आओ, इधर किधर जा रहे हो, इधर आओ, अब्दुल आदि वो आगे आगे भागा जा रहा है, इधर आओ, किधर भाग के जाओगे, किधर भाग के जाओगे, किधर किधर जाना है, किधर जाना है, किधर जाना है, तो घर नहीं जाना आपने, क्यों किधर जाना है, चलो आप बैठो, इधर आओ बैठो। अब खुश हो, चलो आप लोग खुश हो जाएं बस। आज रास्ते में पकड़ लिया ना पूछे, बड़ी मुश्किल से पकड़ा मैंने, ये तो आगे आगे भागे जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से अब्दुल हादी को और अब्दुल्ला को मैंने पकड़ा है। ये कहते थे मेरे दादी उनकी तरफ जाना है, मैंने कहा यार आप लोगों को उधर रास्ता से नजर आता, मतलब काफी दूर पड़ जाता है, बच्चों के साथ भाग जाते हैं, तो इस तरफ भी बच्चे आते हैं हमारी तरफ भी, तो आप इनके साथ इधर आगे करें, लेकिन ना जी इन्होंने उधर ही जाना होता है, और फौरन उधर, वही मैं कह रही हूँ हमारे घर का रास्ता नहीं नजर आता, लेकिन नहीं उधर ही फौरन, ये तो छुट्टी। फिर मैंने इनको चीज लेके दी, मैंने कहा मस्जिद के दरवाजे के आगे खड़े हो, मुझे लगता है ऐसे ही करना पड़ेगा। अब्दुल आदी, अब्दुल आदी, आपको हमारा घर नजर नहीं आता, दादी में का नजर आता है,
दादी अम्मी की तरफ लाजमी जाना बात करें जी मौसम की, मौसम कुछ बेहतर हो गया और माशाल्लाह सूरज जो है ना वो निकल आया, ये देखे मेरे अल्लाह की शान माशाल्लाह। तो अभी हम नाश्ता बनाने लगे जी, नाश्ते की तैयारी बेगम सभा कर रही है, झाड़ू वगैरह लगा लिए और कुछ बर्तन वगैरह साफ कर लिए और कुछ काम वगैरह जो ना रहते हैं करने वाले। गमला गिरा था, हाँ जी, बारिश आई थी वो टूट गया, अब इसको मरम्मत करेंगे, मतलब इसके जो है ना ये इसके इसके बाजार से पार्ट्स ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे काम चलाएंगे, हम खुद ही बना लेंगे, बाजार से ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं लगा रही हूँ जी झाड़ू, हवा जो है ना काफी तेज चली हुई है। हाँ जी बिल्कुल, आप लोग भी कहेंगे 3-4 व्लॉग हो गए, बस मौसम ही दिखाई जा रहे, बादल ही दिखाई जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग बोर हो जाए, बताइएगा बोर तो नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि क्योंकि पिछला व्लॉग मैंने हाँ जी पिछला व्लॉग मैंने तकरीबन आधे घंटे का बनाया था और सब ने इतना पसंद किया माशाल्लाह। यहाँ से भी गुजरा था जहाज और मैंने थोड़ा सी दिखा दिया, मैंने कहा वो अब्दुल्ला जहाज आ रहा, बस तब से इसने कहा जी मुझे जहाज में बिठा दे मुझे जहाज में बिठा दे, तो मैंने कहा इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब आपको जहाज के झूले दिलाएंगे, ठीक है ना। माँ बाप अभी तक बैठे नहीं है जहाज में और हमारे बच्चों को ख्वाहिश पड़ गई कि हमने बैठना है। अरे खड़ा हो जावे, आगे ना जाए, वो कहते यहाँ पे खड़ा हो जाए आगे ना जाए। हाँ जी यहाँ पे खड़ा होके अब्दुल हादी को लेके जाए फिर आगे जाए। अब्दुल्ला की रोटी जो है ना तैयार होगी और मेरी ये छोटे भाई की और ये है जी अब्दुल हादी की रोटी। अच्छा जब मैं कव्वे को शैतान कहूँ या शैतान की टूटी कहूँ क्या कहूँ, हमारी ये जैसे ये छोटी दो घड़ियाँ पड़ी नहीं ये वाली, यहाँ में दो बड़ी पड़ी हुई थी ये नीचे गिरी पड़ी ये वाली, ये इनके काम है जी, यहाँ पे बेगम साहब रखी थी ऐसे ऐसे पड़ी हुई थी, कवा ऊपर बैठा है दो आके बैठे दोनों ही नीचे गिर गई, और यहाँ पे माशाल्लाह फूल जो है ना बड़े प्यारे निकल रहे हैं, ये देखें सब इनकी तारीफ करते हैं कि माशाल्लाह आपकी दोपहरी फूल जो है ना वो बड़े प्यारे निकलते हैं माशाल्लाह। और मौसम की बात करें तो बारिश वाला है, किसी टाइम भी बारिश आ सकती है, और हमारे व्लॉग में हमें कुछ नहीं पता होता कि आगे जाके क्या होना है, मतलब कि जैसे पिछला व्लॉग मैंने बनाया 30 मिनट का आधे घंटे का जो बनाया था उसमें स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं घास काट रहा था और अपना काम कर रहे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमें नहीं पता था इतना चेंज हो जाएगा मौसम और बारिश इतनी ज़्यादा आएगी, नहीं पता था ऐसे ना, ये तो किसी को भी नहीं पता होना कि अल्लाह ताला ने एक मिनट बाद क्या करना है, इस दुनिया का निज़ाम जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है और वो कुछ से कुछ बिगाड़ सकता है। कल देखिए बिल्कुल ऐसा माइंड में नहीं था कितना कुछ हो जाएगा और अल्लाह ताला ने यकीन माने ऐसे वो एक मिनट में मैं कहती हूँ दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम कर सकते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये डेली ही आते हैं डेली बेस पे, ये देखें और ये हलाल भी होते हैं, मतलब खाने के काबिल होते हैं ये, लेकिन हम खाते नहीं हैं। यहाँ से ज्वार जो ना वो ख़त्म हो गई और उसके बाद जानवरों को इजाज़त मिल गई कि आप लोग जो ना ये जो बाकी चारा बचा ना ये खा सकते हैं। तो यहाँ पे जी अब्दुल हादी की जो ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है और ये बार बार जो ना
क्या किए जा रहा है अब्दुल आदि, क्या कर रहे हो? उल्टी कर रहे हो, बार बार क्या किए जा रहे हैं और हमें कोई समझ नहीं आ रही। ऐसा ऊट पटूँ कुछ खाया भी नहीं है, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं ऐसा खाया पिया, लेकिन उसके बाद भी हमारी जान की तबीयत ख़राब हो चुकी है। और अभी हम जाने लगे जी इसकी मेडिसिन लेने के लिए, चले। और इसकी मम्मा ने इसके कपड़े जना चेंज कर दिए और अभी हम चलते हैं जी। चले अब्दुल आदि, कहाँ जाना आपने? नहीं, आपने मेडिसिन नहीं लेनी, दवाई नहीं लेनी? क्यों? ले ले यार, देखे आंखें भी छोटी छोटी और मुंह भी छोटा सा हो गया है ऐसे ही ना। और यहाँ पहले ऐसे मुझे देख रहा है, और यहाँ पे हमने अब्दुल्ला को छोड़ना था। ये है जी भाई अरशद का रूम, ये वाला। ये है जी दूसरा रूम, ये देख। अब्दुल हादी जो ना वो आके यहाँ पे सो गया था, अब्दुल्ला भी सो गया अब्दुल हादी, और अब्दुल हादी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब और अभी बुखार भी हो रहा है। हाँ चले अब्दुल हादी, आगे बैठना पीछे बैठना? आगे बैठना, चल बैठना। तो ये वाला जो घर है ना, ये मेरे चाचा का घर है, और ये हमने गली छोड़ी हुई है, छोटा सा दरवाज़ा रखा हुआ है ताकि हम आसानी से आ जा सके। कपड़ा मैंने पकड़ लिया, अभी भी जाना क्या कर रहा था बिल्कुल। चले बैठे। परेशान तो नहीं हो रहे हो? परेशान नहीं होना, ठीक है ना। डॉक्टर साहब के पास आए हुए हैं, और जैसे हमारी बारी आती है तो फिर हम चलते हैं, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेडिसिन हमने ले ली है, अभी चलते हैं। ख्याल से अब्दुल हादी, ख्याल से। चलो आओ बेटे, यहाँ पे अब्दुल हादी को मैं जूस लेके दे रहा हूँ, ये पकड़ो। इसने मुझे कहा जी जूस मैंने पीना, तो मैंने कहा चलो जूस पिलाते हैं आपको। वेलकम बैक जी, शहर से हम वापस आ चुके हैं, और आते ही दोबारा फिर हमारी तैयारी हो चुकी है। तो जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और प्रिंसिपल होने के साथ साथ वो एक सैयद भी हैं, पीर साहब भी हैं। तो उनकी वालदा की डेथ हो गई, सर्दियों में हम गए थे, शायद आप लोगों को ना याद हो, तब उनकी वालद की डेथ हुई थी। तो अभी एक साल बाद जो है ना, उनकी वालदा की डेथ हुई है। तो मतलब सुबह संडे था, तो हमने कहा सुबह संडे को ख़त्म है, संडे को बहुत ज़्यादा रश होगा ख़त्म वाले दिन। तो हमने कहा चलो जी ख़त्म से पहले हो आते हैं, अफसोस ही करना है। तो अभी चलते हैं जी। अब्दुल हादी भी हमारे साथ जाएगा और अम्मी भी हमारे साथ जाएगी, हम तीनों जाएंगे साथ, अब्दुल हादी और अब्दुल्ला को हम नहीं लेके जाएंगे, अब्दुल्ला को हम यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। यहाँ पे होगा मुमताज़, बिलाल, जब तक हम वापस नहीं आएंगे, हमें तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे। तो अम्मी ने कभी मैंने आप लोगों के साथ जाना था, हमने कभी ठीक हो गया, तो चलें चलें। अब्दुल हादी क्या हाल है? ठीक हो? चलें। अब्दुल हादी क्या करने लगे हो? लिट्टी खा। क्या?
क्या? रोटी खाओ। रोटी खाओ वो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वहाँ से हम आ गए थे अफसोस करके, और अभी मैं आ चुका हूँ अपनी खाला के यहाँ, और उन्होंने हमारा खाना बनाया था। माशाल्लाह काफ़ी मज़े का बना हुआ था ये देखें, और साथ ये सलाद वगैरह था, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मतलब बना हुआ था। साहब जी बस कर दो, धुल गया, इधर दिखाओ। हाँ माशाल्लाह प्यारा धुल गया। गुड मॉर्निंग जी, सुबह हो गई है और सुबह का माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बादल निकल रहे हैं, और बारिश का मौसम जो है ना वो बिल्कुल बन चुका है, ये देखें। और यहाँ पे जी गुड मॉर्निंग अब हुई है, और हाँ जी लासी, ये है जी लासी। इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? लासी। लासी को कहते हैं जी लासी। माशाल्लाह जी ये बुरा टैब बना पड़ा है। हाँ जी। और बड़ी मजे की मीट देखे, यकीन माने इतनी मजेदार, इतनी जायकेदार है। माजरत करते हैं जी, कल का व्लॉग जो है ना सही तरह बन नहीं पा रहा, क्योंकि जहाँ भी हम गए हैं वहाँ पे मतलब कि जो ना व्लॉग बनाने वाला नहीं था, तो हमें फिर व्लॉग का नहीं होता, हमें फिर अगले बंदे का एहसास होता है। तो बाकी सारी बातें फिर करते हैं घर चल के। तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ का व्यू दे दे, तो ये माशाल्लाह गाय हैं ये देखे, और अब्दुल हादी मुर्गियों के पीछे पीछे भाग रहा है। आपके जूते कितने बेटा? जूते कहने जूते पहन के आओ। ओए होए वाकई बहुत ज्यादा मजे किए। लस्सी पीने के बाद जी अब्दुल हादी ने तैयारी कर ली है जी घर जाने की, क्योंकि मौसम जो है ना बिल्कुल बारिश वाला बन चुका है। ऐसा ना हो कि हम यहाँ फंस जाएं बारिश में, ये देखें। तो बारिश आने से पहले पहले जो ना हम घर पहुँच जाते हैं। ठीक है अब्दुल हादी चले। अभी सुबह सुबह का टाइम, बिल्कुल सूरज निकला है और बारिश का मौसम जो है ना वो बन चुका है। मैं और अब्दुल हादी और अब्दुल हादी की दादी और अब्दुल हादी की मम्मा जो ना हम चारों कहीं गए हुए थे, और वहाँ से वापस आ रहे थे। मैंने सोचा अभी ये घर, क्योंकि हमारा यही रास्ता है, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये वाला इनका घर है देख सकते हैं, कुछ इस तरह का। यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, और घर देख सकते हैं आप किस कंडीशन में है। और ये बच्चे अभी मस्जिद से वापस आए हैं और अपना काम काज कर रहे हैं, ये देखें। तो ऐ छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह जी, कितने प्यारी हैं। अस्सलामुअलैकुम। ऐ वाले जी चावल हैं मतलब के राइस, और ये यहाँ पे खुश करने के लिए रखे हुए थे छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल जी। और इसे अभी इकट्ठा करेंगे, उसके बाद ये फिर लेके जाएंगे, इसके अंदर से चावल निकलवाएंगे। सही। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल ने? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र मालिक दा। सही। बारिश का मौसम तुसी मिंजियां बाहर पा रहे जे? ये बच्चे हैं छोटे छोटे जी। अच्छा, मैं बार पठिया ले आते हैं, इन्होंने मुझे पता ही नहीं ना। सही। और ये बाकी चार बच्चे ये छोटे हैं। हाँ जी, एक ये जो बेटी खड़ी है ना छोटी वाली, इससे भी एक छोटी है तकरीबन जो है ना। अभी साफ लफ्जों में बताऊं तो कितने बच्चे हैं? छह बच्चे हैं जी, पांच बच्चियां एक बच्चा। पांच बेटियां और एक बेटा। और इनकी वालदा जो है तकरीबन कितनी देर पहले फौत हो गई? एक साल होने वाला है। एक साल होने वाला है, और कैंसर की मरीज थी वो, इस दुनिया से चली गई। और छोटियां छोटी बच्चियां, संभालने वाला कोई भी नहीं इनको है। तो हमने कभी इनकी हेल्प की जाए ताकि ये बच्चियाँ जो है ना अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छा खा सके। ये देखे मतलब काफ़ी जो है ना तरस आता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं,
हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी तरस आते हैं ताकि ये बच्चे अच्छा पहन सके। माँ जो होती है ना वो बहुत कुछ करती है अपनी औलाद के लिए, तो ये इनके वालिद साहब हैं वो बेचारे कोशिश बहुत करते हैं। एक दो दफ़ा हमने खुद देखा कि ये इनके लिए नाश्ता बना रहे थे और मतलब कि देखे औरत का काम जो ना वो मर्द कर रहा है। अभी वो माँ तो नहीं बन सकती लेकिन कोशिश काफ़ी करती है कि मैं माँ बन के दिखाऊं। इससे जो छोटी बेटी है ना वो तब मेरे ख्याल 1.5 महीने की थी जब इनकी वालदा फौत हुई, वो फिर इनसे नहीं संभाली क्योंकि छोटी थी, फिर इनकी खाला जो है ना उनको दे दी ताकि वो संभाल सके। अब वो बता रहे थे कि 1 साल की होने वाली है, तो कहने का मतलब यही है कि इन बच्चों की कुछ हेल्प की जाए ताकि वो बेचारे कुछ अच्छा खा पी सकें, अच्छा पहन सकें, कुछ माली इमदाद हो सके। हमारा और कोई मकसद नहीं है सिर्फ रब की रज़ा के लिए। तो इंशाल्लाह जी दोबारा थोड़े को आवेंगे और इन बच्चों वास्ते कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आवेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी जी। इनका चूल्हा यहाँ पर अक्सर बैठ के वो बना रहे होते हैं और ये वाली ये तंदूरी है जी, ये देखें। और अभी दिखाते हैं जी आप लोगों के इनके रूम जो हैं, और अगर वो खुद माँ जी होती तो वो इससे संभालती, इसकी लपाई करती। दरवाजे देखे टूटे फूटे पड़े हैं, ये देखे, और ये जुगाड़ लगाया हुआ, ये देखे मतलब किसी टाइम भी गिर सकता है, बाकी अंदर अंधेरा है। और ये वाला एक दरवाजा है कि नीचे इन्होंने सपोर्ट लगाई हुई ताकि छत नीचे ना आए, ये देखे वो कह रहे हैं कि छत गिरने वाली है। बाकी इस साइड पे मतलब कि सर्दियों का इन्होंने किचन बनाया हुआ था जो अभी ख़त्म हो चुका है, अभी इंशाल्लाह ये दोबारा बनाएंगे। और ये दो जानवर रखे हुए हैं सिर्फ क्या कि इनका दूध थोड़ा बहुत सेल कर सके और बच्चों का पेट जो है ना वो पाल सके। भाई जान दे कहने मतलब ये है कि मतलब कि मेरा जो है ना एक कमरा बन जाए और एक वाशरूम अच्छा जहाँ बन जाए ताकि ये बच्चियाँ जो है ना बाहर खेतों में ना जा सकें, मतलब जो है सारी ज़िंदगी के लिए मैं दुआएं दूंगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी। बारिश भी आ रही इस बच्चे के ऊपर, देखें ये बारिश गिर रही है, तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी जो ना घर पहुंच जाएं। जैसे हम वहां से निकले हैं बारिश जो ना वो तेज़ हो चुकी है, तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी घर पहुँच जाएँ, ऐसा ना हो कि हम रास्ते में ही कहीं फंस जाएँ। तो अभी तो नॉर्मल है, अभी तो कोई इतना मुश्किल नहीं है घर जाना। आप लोगों ने देखा कि पीछे बारिश आ रही थी और यकीन माने यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं है, नामो निशान भी नहीं बारिश का। ऐसे ना अब्दुल आदिल, बारिश नहीं है ना? अच्छा जी, बारिश जो है ना वो ज़्यादा बड़ी लगी थी, रास्ते जो है ना वो सारे गिल्ले हो गए थे, ये देखिए, और बाइक चलाना मुश्किल हो गया था। और फिर किशोर ने कहा जी मैं पैदल चल लेते हैं, ऐसा ना हो कि स्लिप हो जाए, क्योंकि रास्ता कच्चा है और अक्सर जो है ना बाइक स्लिप हो जाती। रास्ते में उन्होंने दो देखी बाइक स्लिप हुई हुई थी, बच्चे साथ थे वो गिर गए थे, लेकिन हमने सोचा नहीं जी पैदल ये रास्ता जो है ये क्रॉस कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हवा जो है ना बहुत तेज चली हुई और हवा के साथ ना बारिश भी आ रही है। बारिश पहले एकदम से रुकी थोड़ी देर, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गई। हवा इतनी ठंडी और इतनी तेज़ फिर से चल गई, और हवा का रुख अगर हमारे रूम की तरफ हो ना, दरवाजे की तरफ, तो फिर जो है ना सारा पानी अंदर आता है। कपड़े जो है ना हमने आते ही चेंज किए हैं। यहाँ पे शहजाद साहब बड़े में दोनों बच्चों को साथ लेकर, क्योंकि हवा काफ़ी ठंडी चली हुई है, और अब्दुल हादी तो वैसे भी ठंडी हवा में सफ़र करके आया, बारिश सारी झेल के आया है, गए हैं उधर उस घर में, वहाँ पे अब्दुल्ला को लेकर आए हैं और अंडे लेकर आए हैं जी। अब्दुल्ला जो है ना वहाँ पे अपनी खाला के पास, जो मेरी सिस्टर है ना वहाँ पे उनके पास था, फिर इनके दादा अबू भी थे, और ये यकीन माने ये बिल्कुल सही रह गया है। सब कहते हैं कि आप अब्दुल्ला को साथ नहीं ले गए। अब्दुल हादी से पूछे कि इसकी क्या हालत हुई है, ठंडी हवा थी और बारिश भी तेज़ थी। ये वाले अंडे जो है ना ये लेकर आए शहजाद साहब, क्योंकि अब्दुल हादी की हमें सबसे ज़्यादा फिक्र है, और इनकी दादी अम्मी की, क्योंकि इनकी दादी अम्मी भी जो है ना फिर वो वीक हैं और अब्दुल हादी तो फिर बच्चा था, इसलिए जल्दी से शहजाद साहब अंडे लेकर आए हैं। अभी मैं एक बार जुगाड़ लगाती हूँ और ये अंडे सबसे पहले इनको बना के देती हूँ मैं। यहाँ पे तो बिल्कुल भी आग नहीं जलाई जा सकती क्योंकि बारिश भी आ रही है, हवा भी काफ़ी तेज़ चली हुई, लेकिन अंडे जो है ना मैंने हर हाल में अब्दुल हादी को और अब्दुल हादी की दादी अम्मी को, अम्मी जान को बना के देने हैं। तो जी ये मैंने लगाया है जी किचन का जुगाड़, ये प्लास्टिक वही है जो हम रूम के आगे करते हैं। ये देखें जी कुछ इस तरह से जो है ना, वहाँ पे मैंने दीवार पेंटे रख दिए ताकि प्लास्टिक आगे पीछे ना हिले, और यहाँ पे पानी इकट्ठा होना शुरू भी हो गया है जी। ये है कि चाय जो है ना ये इजी बन जाएगी। सबसे पहले जी रखी हुई है मैंने चाय,
माशाल्लाह माशाल्लाह सर, वेदर चेक करें आप लोग, कितना प्यारा बना हुआ माशाल्लाह। और बादल ऐसे स्पीड से भागे जा रहे हैं, अगर मैं कैमरा रोक के दिखाऊँ ना तो फिर शायद आप लोगों को नज़र आए कि ये भागे जा रहे हैं। देखिए इतनी स्पीड से जा रहे हैं, और पीछे से मौसम जो है वो साफ होता जा रहा है। मैंने तो भाई चादर ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि ठंडी इतनी हवा थी और इतना सफ़र हमने किया, तकरीबन हमारा तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 1.5 से 2 घंटे का सफ़र था जो हमने बारिश और ठंडी हवा में गुजारा है। और मुझे अभी सर्दी लग रही थी और अब्दुल हादी को भी सर्दी लग रही थी, काम पर आ रहा, ठीक है ना, और मैंने सोचा कि नहीं भाई चादर खड़ा कर लेते, और अब्दुल हादी को मैंने अंदर चादर में रखा हुआ ताकि आप अंदर आराम करें, तब तक हमारी चाय और अंडे बॉयल हो जाते हैं और फिर अंडे खाएँगे। बारिश ना आती तो आज हमारा किचन जो है दीवारें कंप्लीट हो जानी थी, और इसके ऊपर बस जल्दी जल्दी जो है सिरकी वगैरह बांस वगैरह डाल के ना काम हमने चला लेना था। ये तो लेकिन जब तक नहीं होता तब तक तो फिर जो है ना गुजारा करना। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेमेंट भी अन करीब आ चुकी बस। हाँ जी, कल जल्दी आ रही लेकिन अब लेट होगी ना जरा, इसलिए अब जो है ना काफी लेट भेजते हैं। तो यहाँ पे जी मेरे बैठे हैं जी दो शहजादे, और अम्मी जी बैठी हैं, और यहाँ पे जी आ चुके हैं हमारी चाय, अंडे, पराठा, पराठा नहीं नाश्ता हमने, क्योंकि वहाँ पे हमने सिर्फ लस्सी पी थी, और लस्सी पीने के बाद जो हमने वहाँ से रवाना हो गया ताकि जल्दी जल्दी घर पहुँच जाए बस। तो अभी अंडा खाते थे क्योंकि सर्दी बहुत बन चुकी थी, और हमने कहा अब्दुल हादी को ऐसा ना हो कि ठंड लग जाए, और सब अम्मी भी चाय पी लेगी और अंडा भी खा लेगी। एक कप आपका जी, मेरा एक कप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कप अब्दुल हादी का, ये ले। नमक डाला ऊपर कौन, माशाल्लाह। दादी अभी ना जाए, मैं नहीं जाऊंगा। दादी अम्मी के साथ आपने भी जाना है? हाँ। बस रहने दो आप। अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? काका को झूले दे रहे हो? ये छोटा काका है? ये छोटा काका है? छोटा सा काका अब्दुल्ला जी झूले दे रहे हैं अब्दुल हादी को। रहने दो भाई, मैं खुद दे लूंगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ झूले देने के लिए, और अब्दुल्ला कहते जी मैंने झूले देने हैं। कमाल होगी आप लोगों की यार, मैं झूले दिया, छोड़ दे भाई मैं खुद ही झूले दूंगा, आपकी मेहरबानी। चाय पीने के बाद मैंने बनाया नाश्ता, अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता भी हमने कर लिया है, और अभी जी किचन से जो ना मैं प्लास्टिक उतारने लगी हूँ और काम करते हैं जी स्टार्ट अल्लाह का नाम लेकर। बाकी जो है ना मैं यहाँ पे ये बात करना चाहती हूँ कि जो हमने पिछली वीडियो बनाई, आप लोगों को पता है कि कितने दिन हो गए हैं कि हमने मतलब इस तरह की कोई हेल्पिंग वाली वीडियो नहीं बनाई, हमें इसे कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ही इसके व्यूज़ आते हैं, मतलब हेल्पिंग वाली कोई भी वीडियो लगा लें। और दूसरा जो है ना हम पे इल्ज़ाम लगना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये जो है ना ऐसा ऐसा करते हैं फला फला जो भी है, फिर आप लोग तो सुनते ही हैं, मतलब हमें बुरा भला कहा जाता है कि ये खुद पैसा खाते हैं, सो जो भी है। बाकी जो है ये हमने वीडियो बनाई क्योंकि अम्मी जान ने हमें काफ़ी मजबूर किया, अम्मी जान ने कहा कि उनकी 1 साल हुआ जो है ना उन बच्चों की वालदा की डेथ हो गई थी, और वो जो अंकल जी थे ना वही अब उनको संभालते हैं। पहले उनकी जो बड़ी बेटी है ना सबसे बड़ी वो है जी 11 साल की सबसे बड़ी उनकी बेटी है, फिर उससे छोटा बेटा उनको 9 साल का है, 7 साल की है, 5 साल की है, 3 साल की, 3 साल की है, और छोटी सबसे बच्ची जो है ना वो उनकी 1 साल की है। जब सबसे छोटी बच्ची वो 1 मंथ की थी जब उसकी अम्मी की डेथ हुई है, उनके पापा ने काफी कोशिश की कि वो अपनी बच्ची को संभाल पाए, लेकिन फिर भी जो है ना आकर वालिद जो है ना वो कभी भी एक माँ की कमी को पूरा नहीं कर सकता, भले वो अपना तन मन जान जो है ना वो लगा ले कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी जो है ना एक माँ की कमी को पूरा नहीं कर सकता, ये तो आप सबको पता ही है। तो वो फिर इनके मामू ने कहा कि ये छोटी बच्ची जो है ना मतलब हमें दे दें, मतलब जो है ना माओ की तरह उनकी जो है मिसेज वो नहीं रखेंगी, लेकिन माँ वाले तो कमी कोई भी नहीं पूरी कर पाती, ना नानी ना दादी या फूफियाँ जो भी होती हैं खाला होती हैं, लेकिन वो माँ वाली बात नहीं होती है, वो इज्जत कदर नहीं होती है। और हम जो है ना काफ़ी दिन से वैसे ये हमने छोड़ा हुआ था, लेकिन जो है ना अम्मी जान के कहने पे और सुबह सुबह हम वापस आ रहे थे, यकीन माने जब मैंने देखा ना तो बस मेरा दिल भी जो है ना ऐसे रोने लगा
वो छोटे छोटे मासूम बच्चे आए, मासूम बच्चे। हालांकि हम किसी और मकसद के लिए गए थे, हमें जब हम व्लॉग शूट करते हैं हमें नहीं पता होता कि हमारा ये व्लॉग कहाँ पे जाकर रुकना है। हम यहाँ से गए थे जब आप लोगों को बताया कि वहाँ पे मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, सैयद भी हैं, उनकी अम्मी की डेथ हुई थी वहाँ पे, हम वहाँ पे जो है ना हम अफसोस करने गए और आज उनका ख़त्म था। ख़त्म पे नहीं गए हैं क्योंकि आज इतना ज़्यादा रश था, माशाल्लाह काफ़ी आवाम होती है और काफ़ी ऐसे जो है ना वो ज़िले हैं जो उनके मुरीद हैं, हम भी उनके मरीद हैं, लेकिन हमने कहा इतना रश होगा इससे पहले है कि अफसोस ही करना है, कौन सा हमने कुछ खाने पीने जाना है वहाँ पे, इसलिए पहले चले गए। हमारा मकसद सिर्फ ये था। लेकिन वापसी पर जब हम, मैंने और शहजाद साहब ने खुद देखा कि उनके घर के हालात कैसे थे, मतलब जो है उनके वालिद साहब जो हैं वो बेचारे बाहर चारा काटने के लिए गए थे क्योंकि उन्होंने दो जो है ना वो गायें भी रखी हुई हैं और बच्चियाँ वो खुद सारा बेचारी काम कर रही थी, रोटियां जो है उनके अब्बू जान कह रहे थे कि काफ़ी दफ़ा जो इन्हें लगाने की कोशिश की है तंदूर पे, हाथ उनका जल गया, काफ़ी दफ़ा सालन जो है ना वो मिर्चियां आँख में पड़ गई, इस तरह कुछ बता रहे थे कि अभी जो है ना समझ है बच्चियां बिल्कुल ना समझ है, बिल्कुल घर को नहीं संभाल सकती वो, जो आप लोगों को राइस नजर आए वो खेतों में जिस तरह औरतें मतलब कटिंग हो जाती है और बाद में उसके बाद नीचे से वो, पता नहीं मुझे तो इस बात का इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, वो बेचारे थे कि इतने से उन्होंने मुंजी इकट्ठी की हुई थी। बाकी जो है आप हमें कुछ भी समझें, जो भी समझें, नेगेटिव कहें पॉजिटिव कहें, बस हमारा ये मकसद है कि कोई अल्लाह की रज़ा के लिए उस बच्चियों के लिए आप जो है ना एक घर जो है ना, जैसा कि हमने चाचा जान से पूछा, वो कह रहे थे कि हमें एक घर की ज़रूरत है क्योंकि जब मेरे बच्चियां नौजवान होंगी तो वहाँ पे मेरी ये कोशिश है कि बच्चियाँ बाहर ना जाएँ, एक कमरा होना चाहिए और एक वाशरूम होना चाहिए। आप लोगों ने छत देखी कितनी डेंजरस है, उन्होंने नीचे पता नहीं कोई लकड़ी की सपोर्ट लगाई हुई थी जिससे मतलब जो है ना छत उनकी गिर रही थी। बाकी जो है हम ये कोई आपको आपके पाँव नहीं पकड़ते हैं, आपको फोर्स नहीं करते हैं, करना जो भी आपने अल्लाह की रज़ा की खातर करना है हम आपको मजबूर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारे ये मकसद होता है कि हम किसी की आवाज़ बने, अगर आप के कानों तक दिमाग तक की बात जा रही है तो अगर आपका दिल इजाज़त दे तो आप जो है ना ये लाजमी कीजिएगा, नहीं तो हम आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। ब्लॉग का एंड करते हैं। बाकी जो है आप लोगों को पता ही है कि हमने काफ़ी दिन से ऐसा कोई काम नहीं किया, छोड़ा हुआ है, तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपने देख दो हमें ज़रूर याद रखिएगा। प्लास्टिक उतारती हूँ और काम करते हैं जी स्टार्ट, और ये इंशाल्लाह होगा जी नेक्स्ट व्लॉग में, तो हमें इजाज़त दे दी, अल्लाह हाफिज़।